व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू कि सारा का सारा बादल यहाँ से। सो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, टेम्परेचर अभी कुछ 1-2 डिग्री दिखा रहा था फ़ोन में। तो सीन ये है कि हमारे जो हिमालयन है ना, उसके सीट पे पूरा का पूरा आइस जम गया। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हमने सुबह उठ करके अपना सामान वगैरह सब कुछ पैक कर लिया है। आज हरसिल जो है वो हरसिल से हम निकल जाएंगे और हरसिल से निकल के हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन दिल्ली एक दिन में शायद पहुंचना होगा पहाड़ी में 12 घंटा राइड करके, इसलिए बीच में हम कहीं तो रुकेंगे। लेकिन कहाँ रुकेंगे ये तो डिसाइड नहीं किया अभी तक हमने, तो वो जाने के बाद मालूम चलेगा कि हम कहाँ रुकने वाले हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं पहले कैसा दिख रहा है हमारा हिमालयन। तो जी ये हाल थी हमारे हिमालयन की, क्योंकि कल जो है ना रात में टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला गया था, मतलब माइनस में था टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली जमना ही जमना है। तो आज का जो सुबह का है, अभी हम चाय पियेंगे, चाय नाश्ता करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकल के फिर आपसे हम रास्ते में बात करते हैं। और आइस को हटाना भी है तो इसका उपाय यही है, इस पर पानी डालिए, पानी सब पे पानी डाल दीजिए, उसके बाद फिर इसको कपड़े साफ कर दीजिए तो यहाँ से निकल जाता है ये आइस। यही उपाय है जी, दूसरा कोई उपाय नहीं। गर्म पानी यहाँ पे अवेलेबल था नहीं अभी, तो ठंडे पानी जो भी पानी मिले उस पानी से ही कर लो, यही उपाय है। तो आइस बहुत हद तक हट जाता है यहाँ से, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। इसका सोल्यूशन अभी तो मुझे यही दिख रहा था, टंकी का छोड़ो भाई, इसे इधर का टंकी का तो हटा लेंगे। तो जी हम निकल गए हैं हरसिल से, और अभी सुबह के बज रहे हैं 8, हम 8 बजे निकल गए हैं। होप सो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं शाम तक, तो वहाँ तक जाएंगे। और भाई साहब रास्ते में ठंड जो है ना बहुत अच्छा है, हमने पूरा जैकेट वैकेट पहन के पूरा प्रिपरेशन कर लिया है। इतने ठंड के लिए तो हम प्रिपेयर थे, लेकिन इससे ज़्यादा ठंड पे शायद प्रिपेयर नहीं हो पाते हम लोग, मतलब उतना हम लोगों के पास ना चीज़ें नहीं थी। कल रात में मैंने टायर प्रेशर वगैरह सब कुछ कर लिया है, जो नहीं किया है वो है मेरा चेन ल्यूब, जो कि बहुत करना बहुत ज़रूरी है। ये हमें हरसिल से निकले कुछ अभी 10 मिनट ही हुए हैं और ये तो आपको दिखने में लग रहा होगा ये जितना रोशनी है धूप है, लेकिन सच बताऊं तो ये धूप किसी काम का नहीं है। टेम्परेचर भी 3 डिग्री हो रहा है और मैंने अंदर एक नॉर्मल सा क्या कहते हैं वो विंटर ग्लव्स जो होता है जो हम घर पे पहनते हैं वैसा वाला एक विंटर ग्लव्स पहना है, उसके ऊपर से मैंने राइडिंग ग्लव्स पहना ये वाला, कसम से कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत ठंडा, उंगली जाम हो रही है। 3 डिग्री सेल्सियस पे बाइक चलाना भाई आसान नहीं है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, विंटर ग्लव्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा मुझे अगले जब भी मैं ठंडे वाले एरिया में जाऊँगा। सीन ये है कि हम अभी पहुँच गए भटवाड़ी, कुछ 50 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है 1.5-2 घंटे में। और पेट्रोल जो है वो एक टंकी में नहीं है, मतलब मुश्किल से 2-3 लीटर और होगी पेट्रोल, तो आगे जहाँ मिलेगा हमें सबसे पहले पेट्रोल पम्प, हम वहाँ पेट्रोल ले लेंगे। आगे कोई जगह है मनेरी करके है, वहाँ पर पेट्रोल पम्प है, तो वो मनेरी में जो है ना वो पेट्रोल पंप है, तो वहाँ जाकर के सबसे पहले हमें पेट्रोल लेना है। पीछे हम रुके थे वहाँ एटीएम था तो हमने पैसे वैसे भी निकाल लिए, तो अभी बस पेट्रोल लेना है, उसके बाद फिर सही हो जाएगा सब कुछ। कुछ थोड़ा ख़राब है थोड़ा अच्छा है, अलग सा रोड है ये। अरे भाई साहब ऑफ रोड कीचड़। ये हाइड्रो पावर प्लांट ना, हाँ यही है हाइड्रो पावर प्लांट। क्या डैम से स्पीड में पानी निकल रहा है ना, इसका पूरा ऐसे ड्रॉपलेट्स घूम रहे हैं हवा में ड्रॉपलेट्स घूम रहे हैं। आशु भाई का कहना, भाई हम रुकेंगे देखेंगे, हम देख लो भाई, इसीलिए तो आए हैं हम। खेदी वाटरफॉल है आगे कहीं पे। हाँ तो हम लोग पहुँच गए मनेरी, मनेरी में हमें लेना है पेट्रोल, देखते आगे कहाँ पर पेट्रोल मिलता है, अभी तक तो पेट्रोल मिला नहीं है। चले आशु, तो पेट्रोल पंप मिली है हमें उत्तरकाशी में। तो ये पेट्रोल पंप जो है ना यही है जी। चलो आपको लगे हाथ में एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप गंगोत्री जा रहे हैं ना तो यहाँ से उत्तरकाशी से गंगोत्री का जो डिस्टेंस है वो कुछ 100 किलोमीटर के आसपास है, 98-200 है। और इसके बीच में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी पेट्रोल पम्प, ना मनेरी में मिलेगी, ना भटवाड़ी में मिलेगी, ना हरसिल में मिलेगी, तो बी श्योर कि आप यहाँ पर पेट्रोल ले लें। भैया फुल कर दो,
ठीक है, इतना सा जगह छोड़ देना एयर के लिए। आज हो गया 107, जब हम निकले थे उत्तराखंड इंटर करते 104 पे था हमारा पेट्रोल का प्राइस। उत्तराखंड में प्राइस रोज़ बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे, देखते हैं कितने का होता है। आई गेस 1100 का तो पेट्रोल आ ही जाना चाहिए। एक हज़ार में टंकी फुल, पूरा भरो पूरा भरो और भरो इससे ज़्यादा और थोड़ा डालो, इतनी जगह छोड़ने के लिए बोला। हाँ 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 तो हो गया 1000 रुपये का आ गया टंकी में तेल, बहुत अच्छी बात है जी। चलो कर दो स्कैनर लगा रखा है। तो मैं एक बात और बता देता हूँ मैं कि आप जब गंगोत्री की साइड निकले ना, एक तो यहाँ पेट्रोल फिल कर ले, ये लास्ट पेट्रोल पंप है, मैं इधर से जाने में आने में भी ये पहला है ये। और ऊपर ना आप जब गंगोत्री पहुँचेंगे तो वहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क पूरा है, कंप्लीट है, बहुत अच्छा है, लेकिन जियो बिल्कुल काम नहीं करता। और जैसे आप हरसी लाएँगे 25 किलोमीटर नीचे, आपको वहाँ पर एयरटेल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ओनली जियो मिलेगा। तो बी श्योर कि आप ये दोनों सिम कार्ड लेकर के आएँ या फिर BSNL का लेकर के आएँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि BSNL का जो सिम कार्ड है वो भी काम करता है। मेरे पास तो BSNL मैं यूज़ करता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं इस बारे में, लेकिन हाँ आप एयरटेल जियो में से दोनों ऑप्शन लेकर चले, क्योंकि ये हर जगह काम कर रहा है अब तक जहाँ तक मैं आया हूँ। यहाँ से भी निकलते हैं और यहाँ से बस शहर निकल के हम कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे, सॉरी ब्रेकफास्ट वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर आगे को निकलेंगे हम। इधर से जाने का टाइम भी हम यहीं पर रुके थे लंच के लिए, अभी रुके हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए वापसी में। तो अभी हम पहुँच गए उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से जो डिस्टेंस दिख रहा है अभी देखते हैं कितना कवर करवाते हैं, 100-150 किलोमीटर तो कवर कर ही लेंगे, चलते हैं देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं। अभी क्या है, यहाँ से जो रास्ता है वो रास्ता मेरे लिए भी नया है, क्योंकि मैं जब ऋषिकेश से निकला था तो उत्तरकाशी तक तो मुझे पता था कि मैं रास्ता कवर करके आया था, मैंने आप लोग को दिखाया था कि ऐसा ऐसा है, लेकिन अभी से जो मैं जिस रास्ते पहले हम उस पार आए थे उसके उस पार से हम लोग निकले थे, अभी घूम के फिर हम इस तरफ से निकल रहे हैं, तो रास्ता जो है मे बी चेंज हो जाएगा। तो पहाड़ आने वाले हैं, आने वाले रास्ते में जो है ना पहाड़ वो बहुत ज़्यादा ही आने वाला है मतलब, तो चलिए देखते हैं कैसा पार आता है, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है या नहीं। पेट भर के खाना खा लिया है, अभी इतना खा लिया कि पेट दुखने लग गया भाई साहब। तो यहाँ से जो है ना रोड हो गई थोड़ी सी ख़राब और हो गई सकरी रोड, काफ़ी पतली रोड है यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। पीछे तो रोड बहुत ही अच्छा मिला, डबल लेन रोड था, चौड़ा रोड था, बहुत ही अच्छा रोड था, तो मैं खींचता हुआ थोड़ा चला आया आगे तक। हमने कुछ 20-30 किलोमीटर हमने ले दिया वहाँ पे, मतलब अच्छा आधे घंटे में निकाल लिया हमने, अच्छा 50-60-70 के स्पीड में निकाल ले रहा था, क्योंकि बहुत चौड़ी रोड थी और उतना मोड़ भी नहीं रहा, सिंपल सीधा रोड था, पहाड़ी है थोड़ी बहुत होगी। ट्रैफिक हमें लगना पड़ेगा लाइन में, बाइक है तो साइड से निकाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, देखते हैं कहां तक निकली है। कंस्ट्रक्शन साइड चल रहा है ना इस वजह से, भाई आगे रास्ता जगह नहीं है ना, उधर से एक टूरिस्ट वाली गाड़ी है, आगे बुलडोजर निकाल, भाई लिखा हुआ है दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, भाई हम बर्दाश्त कर लेंगे पहाड़ी पे, हाईवे पे तो हम दम दिखा देंगे थोड़ा सा, क्या भाई पहाड़ तुम्हारा हाईवे हमारा, क्योंकि तुम उत्तराखंड के हो और हम पहाड़ी है नहीं। तो हमारे को जगह तो मिल गई यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी, एक अच्छा ट्रैफिक हम पार कर लेंगे भाई। थोड़ा सा आगे ले ले भाई, थोड़ा सा ले ले, बस 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 भाई अपना तो निकल जाएंगे हम। तो टू व्हीलर होने का ये फायदा तो है भाई, निकलेगा ट्रैफिक से।
वाह क्या व्यू है यार, बहुत खूबसूरत व्यू है। लेकिन यहाँ भी रुक नहीं सकते, हमें निकलना है, निकलते हुए चलते हैं। बस व्यू एक बार स्लो करके नज़ारे ले लिए हमने। बवाल, अभी हमें को इससे टॉप पे जाना है उधर ऊपर। मसूरी 78 किलोमीटर है यहाँ से। भाई चला गया क्या मसूरी? आशु मसूरी चला जाए क्या? चले पक्की बात? ठीक है फिर मसूरी चलते हैं। तो जी हमारा डिसीजन हो गया है। हम दिल्ली के लिए तो निकले थे रास्ते में, लेकिन हमने बताया था डिसीजन रास्ते में होगा। तो आज का जो प्लान है ना वो कुछ यूँ है कि हम मसूरी जाने वाले हैं। वैसे आप लोग टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम मसूरी जा रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड कैसे हुआ मसूरी जाना ये भी देख लीजिए। अब तो हमारा ऐसे ही होता है, अनप्लान्ड रैंडम, पर जो अच्छा लग गया बस चल दो। तो जी यहाँ से अगर हम लोगों को दिल्ली जाना होता ना तो हम सीधे चले जाते, लेकिन हमें जाना है, डिसाइड कर लिया हमने कि हमें जाना है अभी मसूरी, तो हमें जाना है यहाँ से ऊपर। तो चलिए जी मसूरी की तरफ चढ़ते हैं अब हम लोग। और यहाँ से जो है ना पहाड़ी जो है ना बिल्कुल ऐसा ऐसा है जिगजैग एकदम, यहाँ पे थोड़ा मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। हाँ लग तो रहा है पहाड़ी पर चढ़ाई मस्त वाला। अब क्या है कि यहाँ से खड़ी चढ़ाई जो है वो स्टार्ट है। मसूरी का यही तो मज़ा है, यहाँ चढ़ाई जो है वो काफ़ी खड़ी है और ऊपर भी बहुत खड़ी होने वाली है। तो आराम आराम से धीरे धीरे हम चढ़ाई करते हुए चलेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, मतलब खूबसूरत, बहुत ही प्यारा व्यू। वाओ हम इसको देख करके वहाँ रुक गए थे फ़ोटो लेने के लिए। यहाँ से फ़ोटोज़ लेके फिर फटाफट निकलेंगे हम यहाँ से। ये हमारी बाइक लगी, ये ऊपर की तरफ रास्ता जाएगी जहाँ से वो स्कूटी आ रही है अभी, और ये है नीचे का व्यू, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा दिखाओ एक का दाम कितना है, एक का, एक पॉलिथीन का, एक पॉलिथीन का प्राइस कितना? पैसा कितना रुपए लेते हो? हाँ 50 रुपए। लाओ एक थैली दे दो। कहाँ रहते हो तुम? पास में ही। आप लोगों का धनॉल्टी से आगे सारा बादल ही बादल। ये व्यू इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि सारा का सारा बादल यहाँ से, बादलों के बीच से निकल रहे हैं। हम पहुँच गए धनॉल्टी और यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर आगे होगा और मसूरी। ऑसम व्यू, आगे का जो रास्ता यहाँ आने का है ना वो तो ख़तरनाक है भाई साहब। आप अगर आ रहे हो ना तो गूगल अगर दिखा रहा है 6-8 घंटे ना, तो आप 1-2 घंटे उस पर ऐड करके चलो, क्योंकि आप गूगल के टाइम के हिसाब से नहीं पहुँच पाओगे। बहुत स्लो रोड है, आराम से आना पड़ता है। बहुत सही व्यू है यहाँ का। चले यहाँ से, बैठ जा भाई। तो जी हम पहुँच गए मसूरी, और मसूरी में आकर के हमने अपना होटल रूम ले लिया है। चलिए आपको दिखाते हैं मेरा होटल रूम कैसा दिखता है। इस वाला, ये वाला, ये अपना शक्ल देखने को, इधर से एंट्री गेट, ये है अपना बेडरूम, ये इधर है वॉशरूम, ये कुछ ड्रॉवर वगैरह है। तो डिसेंट सा रूम है, अच्छा रूम है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से ये अच्छा है। 800 रुपये में आपको क्या चाहिए? तो ये अच्छा सर्विस भी है।
तो ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे। होपफुली आपको मेरा जर्नी पसंद आ रहा होगा और आप पसंद कर रहे होंगे हमारा ये वीडियोस। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखे हैं ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।